हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर आज की क्लास में हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, वो हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, और ये सूट के साथ जो आते हैं उस तरह का फैब्रिक है। तो 2.5 मीटर ये है, और ये मैंने सूट में से थोड़ा सा कपड़ा लिया हुआ है 6 इंच के आसपास। तो ये फैब्रिक हम जो है लिए हैं। अब हम इसको कटिंग करना सीखते हैं, कैसे हम इसे कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फैब्रिक था उसे हमने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये हमारा बंद वाला हिस्सा है और ये हमारा खुला वाला हिस्सा है, उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको लेंथ कैसे लेते हैं, जो हमारी तैयार लेंथ होती है, हमें जो तैयार लेंथ चाहिए वो हमको चाहिए 36 इंच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद आपको निशान लगाना है, वो आपको लगाना है 36 में 1 इंच प्लस कर लीजिए 37 इंच। यहाँ पे जो है 37 इंच पे आपको पहले निशान लगा देना है, सीधा निशान खींच देना है। इतना ही कपड़ा हमारा यूज होगा अफगानी सलवार में। तो इस तरीके से पहले हम निशान लगा देंगे। उसके बाद जो ये मैं साइज बना रही हूँ, वो साइज भी हमारा 36 हिप साइज का है। तो जो हम इसका नाप लेंगे वो 36 हिप साइज के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ तो हमने मेजरमेंट कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 37 इंच पे निशान लगाया है। इसमें ऊपर फोल्ड के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच, 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है ये हम ऊपर लास्टिक के लिए फोल्ड कर लेंगे। और नीचे जो है, अब हमारा ये जो है 34 इंच हो गया। तो जो हमने ये फैब्रिक लिया था सूट वाला, इसी को हमें जो है नीचे ऐड करना है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ जो है वो 36 इंच हो जाएगा स्टिच होने के बाद। तो ये फैब्रिक हमको मोहरी में यूज़ करना है। अब हम ऊपर का निशान लगा लेते हैं। उसके लिए हम पहले लेंगे जो हमारा हिप साइज है उसका 1/4 कर लेंगे। तो 9 इंच हमारा हिप साइज है, 2.5 इंच 3 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो, अगर थोड़ा खुला चाहिए आपको प्लाजो अफगानी, तो आप ये जो पूरी चौड़ाई है, ये पूरी चौड़ाई 20 इंच है। तो इस तरीके से आप केवल जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको आप निकाल दीजिए, और यहाँ से आपको पूरा निशान लगा लेना है। ये आपका पूरा हो गया। ये जो है इसमें हम लास्टिक लगाएंगे, प्लेट्स लगाएंगे, ये हमारा ऊपर कमर का बनेगा। अब हम आसन का निशान लगा लेते हैं। तो आसन ये देखिए, लास्टिक फोल्ड होने के बाद 12.5 इंच जो है लगभग हमारा आसन आ रहा है। टोटल मिला के हमको 15 इंच आसन का लेना होता है। तो यहाँ मैं 15 इंच आसन पे निशान लगा ले रही हूँ। और ये जो है हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये जो है हम इसको कर्व मिला लेंगे। ये हमारा आसन हो गया। ये इसलिए है ताकि हमें जो है थोड़ा खुला खुला सा अफगानी मिले। उसके बाद जो है नीचे की साइड, हम यहाँ पर आपको नीचे भी प्लेट्स देनी होती है। तो यहाँ आप जैसे इस तरह से जितना आपने ऊपर लिया है 17 इंच, 2 इंच कम करके आप यहाँ पे 15 इंच पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद यूज कर लेंगे हम ये स्केल, जो कि हमारी पैंट की स्केल आती है। इस स्केल को यूज करके हमको इसे मिला देना है। ये जो है अफगानी सलवार, आप इसे अफगानी सलवार कह सकते हैं या अफगानी नैरो पैंट कह सकते हैं। तो ये अब हमारा कटिंग के लिए तैयार है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा कट गया। अब हमको इसमें आसन कटिंग करना है आगे की साइड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पल्ले हैं दोनों, ये हमारे 2 पल्ले निकल रहे हैं। अगर आपको इसमें जेब लगाना है तो आप साइड से कट करके इसे फ्रंट का पल्ला बना सकते हैं। और इसकी जो है आप केवल सिंगल ही ऐसे इसे कट करके फ्रंट का बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको जेब वाला ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अलग कर लेंगे कटिंग करके।
तो ये देखिए, ये जो है हमारा फ्रंट का पल्ला बनेगा। तो यहाँ साइड से हमने इसे कट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर माइनस करना होता है, 2 इंच यहाँ से हमको घटाना होता है, और उसके बाद आपको इसे इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और ये जो है हमारा बैक का पार्ट हो जाएगा। इसे भी हम अलग कर लेते हैं। अगर आपको जेब नहीं लगाना है तो आप बिना कटिंग किए, बिना जेब लगाए भी इसे डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं। मैं आपको इसमें जेब लगाना बता देती हूँ। तो ये देखिए, अब जो है हमारा ये दोनों पार्ट कट गया है। ये देखिए, तो ये जो है हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। इस साइड हम जेब लगा लेंगे और नीचे की साइड जो है यहाँ पे हमारी मोहरी लग जाएगी, जो मैंने यहाँ पे 6 इंच की मोहरी कट करी हुई थी। 6 इंच फैब्रिक हमने यहाँ पे जो कट किया है, इसमें आप देख सकते हैं फ्लीस पेपर लगा के मैंने इसे टाइट कर दिया ताकि मोहरी जो है अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आपको जो है इसे इस तरीके से जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपको यहाँ पे प्लेट्स लगा के स्टिच कर लेना है। इस तरीके से प्लेट्स लगा के ये स्टिच हो जाएगा। बचे हुए फैब्रिक में आपको जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ था उसमें हम यहाँ पर जेब निकाल लेंगे। नॉर्मली 2 मीटर में बन जाता है। जेब लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया था, तो आप यहाँ पर जो है जेब निकाल लीजिए इस तरीके से जो है। जेब की लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 13 इंच और चौड़ाई ले रही हूँ 7 इंच। तो इस साइज के हम 2 जेब निकाल लेंगे। एक साइड का कॉर्नर कट कर देंगे जिससे इसमें गोलाई आ जाएगी और जेब जो है हमारी ये देखिए। तो ये हमारे पास जो है 2 जेब बन गई। अब हमें स्टिच कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसमें हमें 4 प्लेट्स लगानी होती है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम जो है 4 प्लेट्स लगाते हैं। यहाँ आसन को स्टिच करने के बाद आप जो है दोनों साइड पहले आसन स्टिच कर लेंगे। आसन स्टिच करने के बाद जो है आपको यहाँ पर प्लेट्स देनी होती है इस तरीके से। 2-2 प्लेट आप जो है दोनों साइड दे देंगे। 8 इंच की लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ और यहाँ पर जो आपका जितना चौड़ाई है उसके हिसाब से आपको 2 प्लेट्स लगभग 5-5 इंच पर आपको जो है यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है स्टिच कर लेना है। आसन स्टिच हो जाएगा, दोनों प्लेट्स लग जाएंगे। दोनों साइड आप यहाँ पर जेब लगा देंगे, फिर बैक पार्ट को अटैच करके आप बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कोर्स लॉन्च किए हुए हैं तो आप उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो हमने जेब कटिंग किया था उसको हमने किनारे से एक तरफ से स्टिचिंग लगा दी है। ये हमारा जो है जेब स्टिच हो गया है। अब हम अपने अफगानी के फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट पर निशान लगा लिया है। सबसे पहले हम दोनों आसन को पकड़ के एक साथ सिलाई लगा लेंगे। एक बराबर आपको पकड़ के आसन को सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई लगा लेते हैं हम आसन पे ताकि आसन जो है हमारा थोड़ा मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से हमें जो है डबल सिलाई लगा के मजबूती से आसन को तैयार कर लेना है। अब हम प्लेट्स की भी स्टिचिंग कर लेंगे। प्लेट्स की लेंथ मैंने 8 इंच लिया है।
आपको ऊपर से कुछ दूर तक सीधा सिलना है और फिर नीचे कॉर्नर करते हुए निकालना है। इस तरीके से ऊपर से आप सिलाई सीधा लगाते हुए आएंगे और फिर नीचे की तरफ जो है इस तरीके से सिलते हुए आपको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको जो है चारों प्लेट्स लगा लेनी है। हमारा जो है आगे का पल्ला जो है वो तैयार हो जाएगा। दो प्लेट्स हमने लगा दिए एक तरफ और दो प्लेट हम इस तरफ भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स मैं ये आपको फ्री साइज अफगानी बता रही हूँ, ये हेल्दी बंदों को भी आ जाएगा आराम से इसमें, क्योंकि हमने कमर की कटिंग जो है वो पूरी पूरी ली है चौड़ाई। तो ये जो है पैंट ज़रूरी नहीं है कि केवल 36 साइज को आएगी, 40 साइज तक को ये अफगानी पैंट बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं, ये किसी भी साइज में परफेक्ट आएगा। 40 प्लस के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 42 तक अप्रोक्स फिर भी ये पैंट सही आती है, उसके बाद में थोड़ा सा टाइट हो सकता है। बाकी ये फिटिंग के लिए तो बढ़िया है, ये पैंट आपको आरामदायक भी रहेगी और अफगानी का लुक भी आएगा। तो ये इस तरह से हमने जेब भी लगा लिया, ये देखिए एक तरफ हमने जेब को सिल के अंदर की तरफ पलट दिया है और इस पे हम जो है बैठी सिलाई लगा लेंगे। इस पैंट में मैं दोनों साइड जेब लगाना बता रही हूँ। ये देखिए एक तरफ से हमने एक कपड़े को पकड़ के सिला था और ये दोनों हमने पलट लिया। अब इधर देखिए ये जो हमने कपड़ा ज्वाइन किया था इसको हम अब इस तरीके से कर लेंगे बराबर और फिर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अब हम नीचे से भी इसको सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो जेब है वो जेब तैयार हो गई। ऊपर से हम कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जेब जो है इधर उधर हिले नहीं। ये देखिए इस तरीके से हमने एक जेब लगा लिया। इसी तरीके से आप जो है दूसरी साइड भी जेब को लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा जेब हो गया और यहाँ से देखिए ये हमने आराम से इसे तैयार कर लिया। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से जेब को लगाना है। पहले कपड़े को रखना है, उसके बाद देखिए ऊपर से हमें जो हमने इलास्टिक फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको छोड़ते हुए ये देखिए एक पल्ले को हमको इसके ऊपर रखना है इस तरह से उल्टी साइड से, और लगभग 6 इंच साइज का हमको यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाना है। यहाँ देखिए ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हमें इसे पलट करके बैठी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो दूसरा पल्ला हमारा पीछे की तरफ है ये इस तरह से हमें इसको एक साथ पकड़ के सिलाई लगा देनी है। ये देखिए बहुत आसान है जेब अटैच करना। ऊपर से हमें जो है इसे कच्ची सिलाई लगानी है। जब हम लास्टिक के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो ये वाला फैब्रिक हमारा उस लास्टिक के साथ अंदर चला जाएगा। अब ये देखिए ये जो हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। दोनों साइड हमने जेब लगा लिया और दो दो प्लेट्स लगा लिए। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे जिसमें हमें आसन को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेना है इस तरह से।
इस तरह से देखिए हमने आसन को पहले स्टिच कर लेना है। बैक पार्ट है ये जिसका आसन बड़ा है, हमने कटिंग करने के टाइम आपको बताया था आसन हम कैसे बड़ा रखते हैं। ये हमारा आसन बड़ा है और ये अब हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ से हमें फोल्ड करना है लास्टिक, जितना हमारा लास्टिक था उस हिसाब से। तो पहले हम दोनों पल्लों को अटैच करेंगे, ये इस तरह से हमें अटैच कर लेना है क्योंकि इसमें हम बेल्ट और लास्टिक अलग अलग नहीं ऐड करेंगे, ऑल ओवर लास्टिक बना रहे हैं तो हम जो है साइडों से दोनों सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक तरफ हमने सिलाई लगा ली, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब हम लास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे फैब्रिक को ऊपर से इस तरीके से, जितनी चौड़ी आपकी लास्टिक है आपको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है गोलाई में। चारों ओर गोलाई में हमको सिलाई लगाने के बाद इसमें इलास्टिक को ऐड करना है। ये देखिए जितना हमारा ये कमर आ रहा है इस तरह से बिल्कुल ढीला ढीला, यहाँ हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा है। अब हम इलास्टिक ले लेंगे, यहाँ देखिए लगभग यहाँ पे हमने 14 इंच इलास्टिक की लेंथ यानी 28 इंच टोटल लेंथ हमने इलास्टिक लिया है। अब हम किसी पिन की हेल्प से इसके अंदर जो है लगा लेंगे इसको। प्लास्टिक को अच्छे से बराबर देखना है हमें कि सीधा रहे प्लास्टिक। कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो आपको चेक करना है और उसके बाद दोनों प्लास्टिक को पकड़ के ज्वाइंट कर देना है। अब आप कपड़े को खींच करके प्लास्टिक को अंदर कर दीजिए और जैसे जैसे आप कपड़े को चारों ओर से खींचेंगे प्लास्टिक जो है आपका अंदर हो जाएगा। अब आपका जो एरिया आपने खुला छोड़ा था उस पर आपको सिलाई लगा के उसे बंद कर देना है। अब इसे अच्छे से जो है खींच करके, जैसे आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो फैब्रिक जो है बिल्कुल बराबर में आपके चारों ओर सेट हो जाएगा। ये देखिए अब हम जो है इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि इलास्टिक जो है हमारी बैठ जाएगी। तो इस तरह से हमें खींच खींच करके सिलाई लगानी होती है
ताकि इलास्टिक हमारे चारों ओर जो है इक्वली सेट हो। तो ये देखिए अब जो है ये अफगानी का हमारा ऊपर का पोर्शन तो पूरा रेडी हो गया है। अब जो है हम इसका नीचे मोहरी बना लेंगे। ये देखिए ऊपर से हमारा तैयार हो गया है। अब हम नीचे मोहरी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो मोहरी है हमारी, हमने जो सूट का फैब्रिक लिया था जिसमें कि हमने पेस्टिंग लगा के इसे हार्ड कर दिया था, हम इसको लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए जितना हमको चौड़ाई चाहिए, अगर हमें 7 इंच की मोहरी चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, यानी 8 × 16 16 इंच हमको जो है यहाँ पे मोहरी कट करना है। ये देखिए इस तरह से अब हमको लेना है ये हाफ निशान जहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे, और ये लेना है समोसा लेस जो कि हमें एक साइड स्टिच कर देना है। पहले हम एंडिंग पर इस तरह से समोसा लेस को स्टिच कर लेंगे। अब ये हमें बॉर्डर मिल गया है, दोनों ही पल्लों पे हमें सेम इसी तरीके से समोसा लेस को स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया। अब ये हमारा एक तरफ का मोहरी तैयार हो गया और वो हमारा दूसरी तरफ का मोहरी तैयार हो गया। अब हम इसे कैसे अटैच करते हैं, ये देखिए नीचे की साइड जो है हम पहले ही सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये जो है हार्ड हो जाए थोड़ा सा और इसकी सिलाई जो है वो सेट हो जाए। अब हम अपने फैब्रिक पर इसको सेट करेंगे। ये सेंटर हमारा हो गया, सेंटर पे हमने इसे फोल्ड किया और बैठी सिलाई लगा के इसे मजबूत कर लेंगे। ये सिलाई लगाने से मोहरी हमारी सेट हो जाती है, हम कहीं इधर उधर ज़्यादा कपड़ा ना फोल्ड कर रहे हैं इसलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने जो कट लगाया था एक तरफ का उस पर हमें प्लेट्स को अटैच करना है। ये जो हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, इससे हम इसकी मोहरी को हम ऐसे जोड़ेंगे और ये प्लेट्स लगाते जाएंगे। सेंटर में हमको ये प्लेट्स लगानी होती है तो हमने स्टार्टिंग में 2 इंच के आसपास कपड़े को छोड़ दिया है, बाकी फैब्रिक को हम यहाँ पे प्लेट्स बना के स्टिच कर लेंगे। और एंड में भी हम जो है 2 या 3 इंच प्लेन फैब्रिक छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा प्लेट्स लग गया है और अब हम जो है हमने ये जो मोहरी बनाई थी उसको हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ हमारा फोल्ड है, ऊपर की तरफ जो हमने समोसा लगाया था अंदर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से जो है ये हमारी मोहरी बहुत ही आसानी से सेट हो गई। अब हमें इसमें गोटा लेस लगानी है। दूसरी साइड पे हम मोहरी को इसी तरीके से बना लेंगे।
सेंटर से कट का निशान लगाना है, और जो हमारा सलवार वाला फैब्रिक है उसको हमें एक तरफ से प्लेन स्टिच करना है 2 से 2.5 इंच तक। उसके बाद हमें जो है प्लेट्स लगानी है छोटी छोटी। और फिर पलट करके इसे हमें सेट कर देना है। इस तरह से जब हम फोल्ड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है। अब देखिए हम इस पे गोटा लेस से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हमने गोटा लेस ले लिया है। अब हम इस पे हाईलाइट कर देंगे इसे, 1 लाइन 2 लाइन आप जितनी चाहें उतनी लाइंस यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लाइन बना रही हूँ क्योंकि एंड में इस पर मैं सीक्वेंस जो कॉइन्स वाली लेस चल रही है वो लेस हम यहाँ पर लगाएंगे इसे हाईलाइट करने के लिए। तो अभी मैं वो लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ये गोटा लेस ही लगा के बता रही हूँ। मैं बाद में इसके ऊपर से लगा दूँगी उसमें ये लेस। ये देखिए हमारी मोहरी जो है एक तरफ की तैयार हो गई है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाली लेस जो है दोनों दो दो लाइन दोनों पैरों में लगा दी है। अभी हमारा जो अफगानी पैंट है ये लगभग अब तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जो मोहरी आ गया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और अब हम इसको फिटिंग लगा देंगे एक तरफ से हमें जितनी फिटिंग चाहिए। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर फिटिंग लगा रही हूँ। आपको इस सिंपल दोनों को पकड़ के स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी अफगानी सलवार ये बन के रेडी हो गई है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, नीचे यहाँ पर हमने प्लेट्स दिया हुआ है और यहाँ हमारा जो है ये आसन का हिस्सा है जो कि एक छोटा और एक बड़ा है। छोटा वाला हिस्सा हमारे फ्रंट पे आता है और बड़ा वाला हिस्सा हमारे बैक साइड पर जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आसन हो गया। और ये जो काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हिप के पास आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है, ये पूरा खुला खुला। और इसमें मैंने जेब भी लगाई हुई थी, जेब का भी मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमने जेब लगाई हुई है। तो ये अफगानी पैंट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप
हेल्दी हैं तो भी आपको आराम से आ जाएगी, और अगर आप पतले हैं तो कोई बात ही नहीं, वो तो फिर बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरीके से जो है हमारी अफगानी पैंट रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप मेरे से अच्छे से सीखना चाहते हैं और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैंने बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपने कोर्स की डिटेल्स उस पर भेज दूँगी। और इस तरीके से अभी मैं यूट्यूब पर भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करके आपको बताती रहूँगी, काफ़ी सारी ड्रेसेस जो हैं मैं फ्री में ही आपको बता दूँगी। कि आप रेगुलर अगर ज्वाइन होते हैं और मेरी वीडियोस को देखेंगे, बैक से भी पीछे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।